कल पंजाब के आदमी आए हैं, मेरे फार्म की 3 बकरियां निकाली है, उन्होंने 2 लाख रुपए की रिक्वेस्ट की है, मैंने 3 बकरियां नहीं दी। 3 बकरियां 2 लाख रुपए की, ये तो भैंस से भी महंगी होगी। बिल्कुल महंगी है जी। कारण इसका? कारण 2 बच्चे भी हैं और एक तरह से ब्रीडर से क्रॉस भी है सर। ये फीमेल देखिए क्या डिटेल, दांत क्या है? दांतों में अभी 4 दांत हो गए सर, 6 दांत निकाल रही है। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नोखा एंटरटेनमेंट। ब्रीडिंग सेटअप पर है, गोट फार्मिंग कोई भी जब करना चाहता है तो सबसे पहले बात मुद्दे की आती है ब्रीडिंग सेटअप की, और ब्रीडिंग सेटअप भी ऐसा है सक्सेसफुल है। ऐसा नहीं है कि माल खरीद के लाए और वीडियो में दिखाने लगे, ऐसा नहीं, पूरा तजुर्बा बताएंगे आप, वीडियो में मजा आएगा। एक नुकसान, मुनाफा, फायदा, प्रॉफिट, गोट फार्मिंग में वीडियो देखते हैं, करोड़ों की गोट फैक्ट्री की बात होती है, आज आपको बताएंगे कितना मुनाफा होता है। वीडियो के एंड तक बने रहे। एनिमल दिखाएं, माशाल्लाह एक नंबर क्वालिटी के, और नग पसंद आता है कोई तो बेच जाए, होगा डील भी करेंगे, पूरा तजुर्बा है, लंबा वीडियो होगा, एंड तक बने रहे। वीडियो दोस्तों में शेयर करें, और कोई ब्रीडिंग सेटअप पे काम करना चाहता है तो उसके लिए बड़ा बेहतरीन वीडियो है ये, और माशाल्लाह ऐसी सी क्वालिटी दिखाएंगे, थोड़ा सा कुछ हिडन बातें भी आपको बताएंगे, और लास्ट तक बने रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हमारे साथ सद्दाम भाई हैं, काफी वीडियो हमारे चैनल पे लगी हुई है, थोड़ा फार्म की लोकेशन बता दीजिए। क्या सर, पूरी वीडियो आपके चैनल पे है, इसके अलावा शायद किसी चैनल पे हो सकती है अपनी वीडियो। फार्म की लोकेशन हनुमानगढ़ राजस्थान, गाँव रोड़ा वाली। गाँव रोड़ा वाली, रोड़ा वाली से 2 किलोमीटर बाहर है ये। हनुमानगढ़ वैसे पड़ता किधर है? हनुमानगढ़ पड़ता है सर पंजाब हरियाणा राजस्थान, पंजाब हरियाणा और राजस्थान, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर राजस्थान का लास्ट जिला है ये, 30 किलोमीटर हरियाणा, 30 किलोमीटर पंजाब, पंजाब का जिला फाजिलका और बठिंडा दोनों ही राजस्थान बॉर्डर पे लगते हैं, और इधर है सिरसा जिला हरियाणा का। तो आप शुरू हम इस करते हैं, पहला मेरा सवाल, बिट्टल ही क्यों सर, क्या खास बात है? नस्ल ही इधर की फेमस बिट्टल है जी। क्यों? तो पंजाब बॉर्डर पे है इसलिए, पंजाब का एरिया है, हरियाणा हाँ। का एरिया है, और तीसरा जो राजस्थान का हनुमानगढ़ और गंगानगर एरिया है, यहाँ पे आमतौर आदमी देखो वो भी पंजाबी भाषा में बात करता है, तो एक जो लोकेशन है वो पंजाबी की लोकेशन है जी। बिट्टल नस्ल की खास बातें क्या होती हैं? खास नस्ल जी आप अगर पालोगे रखोगे आपको तभी पता चलेगी कि बिट्टल नस्ल। नहीं आप बताओ ना, खास बातें क्या है आप खास? चलो बकरी को पकड़ लो, उससे फिर हम सवाल उसी से शुरू करेंगे। जैसे ये बिट्टल का, अगर आपको बिट्टल नस्ल की मैं एक चीज बता दूं, हाँ हाँ, लोग आज के टाइम में इतना पैसा जैसे भैंस पे नहीं लगा रहे, गाय पे नहीं लगा रहे, और कोई फार्म उस पे नहीं लगा रहे जितना पैसा बकरी पे लगा रहे। उसका एक उदाहरण ये है, आपको जब भी 10,000, 20,000, 1,00,000 रुपए की जरूरत है, आप 1 मिनट में जानवर सेल करके आपका जो एनी टाइम जो भी आपको दिक्कत आ रही है पैसे में वो आप 1 मिनट में, मतलब ATM है ये चलता फिरता। ATM में सर क्या पता, ATM में पैसे भी नहीं होते, हाँ। वहाँ पे जाना पड़ता है, लोग बिट्टल के लिए खुद चल के आते हैं। मतलब बकरी एक ऐसा एनिमल है जिसके लिए लोग चल के आते हैं, आप इसको आधी रात को बेच सकते हो। कल 3-4 दिन पहले का उदाहरण दे देता हूँ आपको, पंजाब लोग वैसे तो लोग पंजाब से माल लेके आते हैं, जिसने लाइन संभाल के रखी है, कल पंजाब के आदमी आए हैं, मेरे फार्म की 3 बकरियां निकाली है, उन्होंने 2 लाख रुपए की रिक्वेस्ट की है, मैंने 3 बकरियां नहीं दी। 3 बकरियां 2 लाख रुपए, ये तो भैंस से भी महंगी होगी। बिल्कुल महंगी है जी। कारण इसका? कारण ये है, खूबसूरती है, दूध है, हाइट है, क्वालिटी है। बिल्कुल। कितनी आपकी बकरियां कितना दूध दे रही हैं? 4 लीटर 3 लीटर। अब दूध से सवाल आया था, एक और खिलाते क्या हो ऐसा? खिलाते हैं सर, वो आपको दिख रहा है वैसे तो अभी उसमें पानी है सर, उसमें अपने बिनोला खल जाएगी, अच्छा अपने सरसों की खल जाएगी, चना चूरी जाएगी और गेहूं जाएगी, और तीसरा जो 5वां आइटम वो मेरा पाउडर मिक्स किया हुआ है। अच्छा, उनके पाचन के लिए बनाया, मैं सुबह शाम वो टब भर के रख देता हूँ, ऊपर से पानी पी लेते हैं, जितना जिस जानवर को खाना उतना खाएंगे, ये अपनी पर्सनली फीड है सर। अच्छा, पर्सनल फीड। आपकी बकरियाँ यहाँ पे छोटे बच्चे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, घर की बकरियों के बच्चे? सभी घर के बच्चे। कितने कितने हैं? किसी के सर 3 है, किसी के 2 है। एक बकरी कई लोगों को नहीं पता, बताएंगे एक बकरी कितने दिनों में बच्चा दे देती है? 5 महीने, 10 दिन, 8 दिन, 5 मंथ। मतलब 5 महीने में 5+ कर लो, 5 माइनस कर लो, एड गेड में रहता है। हाँ जी। वो तो बच्चे पे डिपेंड करता है कि बच्चे की ग्रोथ कैसी है, उसका रख रखाव कैसा है। रख रखाव कैसा है? जैसे अभी ये बकरी है, इसके नीचे 2 बच्चे हैं,
ये शायद बच्चे दिए को हो गए एक महीना बीस दिन और दोबारा से 11-12 दिन के क्रॉस हो गए करवा ली। और जो फीड मैं दे रहा हूँ सर आप देखे देखिए, लोग कहते हैं हमारी बकरी हिट पे नहीं आती, ये फीड दीजिए जो मैंने बताई है, आपकी बकरी एक महीने के अंदर अंदर हिट में आएगी। अच्छा तो आप जल्दी क्रॉस करा, 2 महीने तक रोकते हो बच्चा, मतलब बकरी क्रॉस कराने कितने दिनों बाद दूध देगी? 3 महीने दूध और देती सर बकरी क्रॉस होने के बाद। बिल्कुल सर। ठीक है, मतलब बच्चे पल जाएंगे। 1.5 महीना वो हो गया, 1.5 महीना वो हो गया, 4 महीने वो हो गया। अगर आपका अच्छा कोई जानवर अच्छी फीमेल है तो आप एक्स्ट्रा से दूध लगा दीजिए। ठीक है, तो इसमें कुछ एनिमल सेल के लिए दिखाओगे? कुछ सेल के लिए। अभी टोटल एनिमल कितने होंगे आपके फार्म पर? टोटल है सर 40 जानवर अपने। 40 बिटल के हैं, बर्बर मिला के? बिटल बर्बर ही सारा सर मिला के। ठीक, लाओ कौन सी सेल के लिए दिखाओगे आप? सबसे पहले आपको बच्चे दिखाते हैं। बच्चे दिखा दो माशाल्लाह, कलर पे आपको आ जाते हैं। ये देखे फ्रेंड्स, रेड एंड व्हाइट कलर का माशाल्लाह, डबल हड्डी का पैर, बड़े मजबूत, व्हाइट आईज, क्या बात है। अदंत है क्या? बिल्कुल अदंत है सर, दान चेक करिए आप। बिल्कुल अदंत, एकदम अदंत है, 6-7 मंथ का बच्चा है। वजन क्या आएगा? वजन हो जाएगा 35 kg। अंडू है क्या? अंडू है जी। फॉर सेल के प्राइस? प्राइस सर पर्सनल में। क्यों सर? अभी बता दिया प्राइस, फिर आगे किसी भाई को सेल भी करना होता है, किसी को कोई दे रहा। अच्छा, आपसे लोग जुड़े हुए जो हैं बिजनेस खत्म, उनका फार्म भी है सबका। ठीक, आ जाइए। हमारे एक फायदे के लिए किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए। इस फार्म जो ये बना रखा है कंस्ट्रक्शन सारा टोटली, ये टुकड़ों में बनाया एक साथ बनाया? टुकड़ों में बनाया। देखें बहुत अच्छा बच्चा, खूबसूरती देखें आप, क्या बात है, जबरदस्त। आप बेफिक्र होकर इनसे डील कर सकते हैं। सदाम भाई काफी पुराने सेलर हैं, अच्छे सेलर हैं, डबल हड्डी का, चौड़े सीने का बच्चा है, माशाल्लाह खूबसूरती है। अंडू है ना? अंडू है जी। अंडू खुले पत्ते, कान अदंत में है माशाल्लाह। सेल के लिए? दोनों जोड़ी सेल के लिए, दोनों जोड़ी सेल के लिए। उसके बाद आपको एक बकरी दिखाते हैं बच्चे वाली। व्हाइट कलर में फीमेल, व्हाइट कलर में फीमेल है, व्हाइट आईज के अंदर है, लंबे कानों की फीमेल है। और सर जो भी आपको फीमेल दिखाएंगे साथ में एक दो बच्चे भी हैं और एक्स्ट्रा से ब्रीडर से क्रॉस भी है सर। ये फीमेल देखिए क्या डिटेल, दांत क्या है? दांतों में अभी 4 दांत हो गए सर, 6 दांत निकाल रही है। ठीक है, 6 दांत निकाल रही है और नीचे इसका ये रेड कलर का बच्चा। और गैबन भी है क्या? वो व्हाइट ब्रीडर से, आपने रेड एंड व्हाइट ब्रीडर से। अच्छा, इस बुलंद से क्रॉस है, बकरा भी दिखा देते हैं आपको। अच्छा, इस ब्रीडर से क्रॉस है फ्रेंड्स, फीमेल, पहले रेड बच्चा दिया है, मतलब ब्रीडर पे बच्चे देने वाली फीमेल है और ये बकरा है माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन, नाक नकोड़े का बड़ा खूबसूरत खूबसूरत। क्या डिटेल पर है बच्चा ये? अभी सर 4 दांत पे है और अल्लाह के करम से 43 आइट है। 43 चार दांत पे, व्हाइट आईज का, नाक नकोड़ा, कोई लाइन वगैरह का है क्या? वैसे ही है, अननोन का है माशाल्लाह, लाइन का सर 4 दांत, 43 आई, नॉर्मल बकरे तो करते नहीं है। और रही बात, आप दांत चेक कर लिए, किसी भी भाई को डाउट हो तो अपने इंची टेप लगा के दे दें, 4 दांत। ठीक है, क्वालिटी आपके सामने है, इससे बकरी क्रॉस है, जो भी फीमेल है इसी से क्रॉस है, जो भी फीमेल। अच्छा, सारी फीमेल इसी से क्रॉस, एक इस वाइट फीमेल को छोड़ के। अच्छा, इस वाइट फीमेल को छोड़ के। इसके नीचे 2 बच्ची हैं, खास बात दोनों फीमेल दे रही है, और दोनों व्हाइट आईज में गुलाबी के अंदर है, गुलाबी वो भी दोनों फीमेल। अच्छा, और इस फार्म की खास बात मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं फार्म सक्सेसफुल नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि लोगों के पास बच्चे मेल ज्यादा आते हैं, मेरे पास 10 बच्चों में से सिर्फ 1 मेल आया, बाकी सभी फीमेल है। फीमेल आई है, तो मतलब जो आप फीमेल है वो सेल नहीं करते हो, मेल सेल करते हो? ये भी दोनों फीमेल है, ये भी दोनों फीमेल है, इनमें से 1 मेल फीमेल है। अच्छा, और वो भी 2 बच्चे हैं, वो भी दोनों फीमेल है। तो आप जो फीमेल है वो रख लेते हो, मेल सेल करते हो खाली? ठीक है, अगर मेल, अगर कोई ब्रीडर आ रहा है तो फिर मेल भी रखेंगे अच्छी क्वालिटी का, तब तक अपने पास ही आपके जितनी बकरियां सबके लगभग 99% 2-2 बच्चे, एक बकरी आई है और ज्यादातर उनके दोनों फीमेल है, दोनों फीमेल है। अच्छा, अभी खाने में क्या कुछ रख रहे हो इनको? अभी क्या दे रखा है? ग्वार भूसा है क्या? ग्वार भूसा, अभी ग्वार फलकट है ये है। इसके अलावा हरा चारा भी देते हो? हरा चारा खुले में ग्रेजी करके आएगी, जैसे अभी तो मौसम है, खुले में खेती बाड़ी हो रही है तो खुले में आएंगी, वैसे स्टॉल फीड पे ज्यादा काम है। अच्छा, स्टॉल फीड पे ज्यादा है, खेत में जब जगह स्पेस खुले होते हैं तब आप चराते हो। बीमारी वगैरह में कौन कौन सा वैक्सीन करवाते हो? बीमारी में अभी तो ईटी का वैक्सीन होगा, अभी ईटी का वैक्सीन होगा, ईटी का होगा। वैसे पीपीआर भी करवाते हो? पीपीआर भी करवाते हैं, एफएमडी और एफएमडी, तीन वैक्सीन करते हो। डीवर्मिंग कितने दिन? तो 3 महीने के बाद, 3 महीने से कराते ही हो? ठीक है,
तो जैसे किसी को, और अभी अपने कर रहे थे दूध की बात, ये देखिए फ्रेंड्स बहुत बेहतरीन रेडर क्वालिटी की, बहुत शानदार फीमेल। ऐसा नहीं है कि सब दूध रोका हुआ है, सुबह सभी जानवरों का दूध पिया हुआ है। अच्छा, सुबह कितने बार पिलाते हो दूध? चार दिन में चार बार। दिन में चार बार पिलाते हैं, माशाल्लाह। फीमेल देखते हैं आप, कितने दूध दे रही है बकरी? इसको तीन से चार लीटर दूध है सर। फीमेल आपको और दिखाते हैं, अगर किसी भाई को बकरी चाहिए बच्चों के साथ वो भी मिल जाएगी। ये देखें माशाल्लाह गुलाबी फीमेल है, दो गुलाबी पाठ हैं इसके साथ हैं, बहुत जबरदस्त क्वालिटी। इसका भी दूध चेक कर सकते हो, अदर क्वालिटी चेक करो, अदर चेक करो। काफी अच्छा, कितना दूध होगा पर डे का? पर डे का इसका 3 लीटर दूध। वैसे बच्चों को ही पिलाते निकालते भी? नहीं, निकालना तो है नहीं सर। तो ये थे हुसैन गोट फार्म से, आप ये वीडियो देख रहे थे, बहुत शानदार दो दो बच्चे वाली, फीमेल बच्चों वाली बकरियां और दो बच्चे सेल के लिए आपको हमने दिखाए हैं। दो बच्चे सेल के लिए, बाकी तो ये अपने इस बच्चे का भी छोटा हो गया, पिछली बार आपके चैनल पे वीडियो लगाई। कहां बेचा ये? ये बंगलोर में गया। बंगलोर में। ट्रांसपोर्ट कैसे करते हो बाहर का आप? अपने ट्रेन से भेजेंगे सर। ट्रेन से भेजें, दूर का ट्रेन से? वैसे गाड़ियां वगैरह भी जाती है, जैसे बॉम्बे सूरत का कोई बंदा जा रही है, गाड़ी भी जा बॉम्बे सूरत अहमदाबाद इंदौर एमपी का कोई बंदा देख रहा हो तो उनको माल कैसे भेजते हो? बाय रोड भेज देंगे, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट हो सर, जैसे उनका जानवर अच्छा पहुँचना चाहिए। नंबर दो, ये बंगलोर में जा रहा है स्पेशल फार्म ब्रीडिंग के लिए, बच्चा जा रहा है। ये पहले आपके पास गुलाबी ब्रीडर है, उसका बच्चा है? उसी का बच्चा है। अब आपने थोड़ा कलर पे काम करना है? कलर पे काम भी है, वैसे भी गुलाबी ब्रीडर है उस फार्म में अपने। अच्छा, दूसरे फार्म पर है? हाँ जी। फ्रेंड्स ये थे सद्दाम हुसैन और ये ब्रीडिंग सेटअप चलाते हैं, पुराना काफी अनुभव है, 7-8-10 साल से लगभग कंटिन्यू इनके वीडियो आ रहे हैं हमारे चैनल पर। आप फ्रेंड्स आप बेफिक्र होकर इनसे डील कर सकते हैं, आपको बच्चे वाली बकरियां चाहिए, ग्याबन बकरियां चाहिए, मेल चाहिए, ब्रीडर चाहिए, खस्सी चाहिए, जैसा एनिमल चाहिए आपको वैसा मिल जाएगा ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट के साथ। बेच जाकर सद्दाम भाई से डील कर सकते हैं, काफी पुराने हैं, 7-8 साल से जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के, सबसे अच्छे सेलर है, ट्रस्टेड सेलर है। अपना नंबर दो, 800-3693829 व्हाट्सएप है इस पे? व्हाट्सएप कॉलिंग दोनों इसी पे बने रहो हमारे साथ। इंटरेस्टेड पर्सन स्क्रीन पे दिए नंबर पर जरूर कॉन्टेक्ट करें। शुक्रिया आपका।